नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग करते हैं तो कभी हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं। स्वामी प्रसाद के इन बयानों से साधु संत और ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव से खासा नाराज है, लिहाजा ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए सपा मुखिया ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी दी है। अखिलेश यादव का कहना है कि कोई भी नेता धर्म पर टिप्पणी ना करे। हालांकि स्वामी के लिए सपा मुखिया की इस नसीहत को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव जनता को मूर्ख बना रहे हैं। स्वामी वही बोलते हैं जो अखिलेश लिखकर उन्हें देते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। कल की बैठक में अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान गलत है और उनको गलत बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है अखिलेश यादव जी को। हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर अखिलेश यादव इन बातों से नापसंद करते, अगर अखिलेश यादव इनसे असहमत होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करते। तो इसी मुद्दे को लेकर किस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही इस वक्त साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका साध्वी गीतांबा जी। सबसे पहला रिएक्शन आप ही से मैं चाहूंगी। इस वक्त कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राजेश मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मिर्जापुर से हैं, देवरिया से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपुरेश और साथ ही शिव भी इस वक्त हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले साध्वी गीतांबा जी आप ही से मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। काफी दिन अखिलेश यादव ने लगा दिए स्वामी प्रसाद को नसीहत देने में, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए किसी भी धर्म पर आप टिप्पणी करने से बचें, किस तरह से आप इसको देखती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब एक तरह से हिंदुओं को बरगलाने की बात है, या हमारे सनातन धर्म को ये बरगला रहे हैं अखिलेश जी। अगर इनको जरा सा भी इनके उसके वक्तव्य पर जरा सा भी इनको ऑब्जेक्शन रहता तो ये पहले ही बोल देते और सीधे इनको अपने उसमें समाजवादी पार्टी से इनको निकाल देते और सीधे कहते कि तुम्हारी वजह से हमारे वोट पर इतना असर पड़ रहा है, तो इनको सीधा हटाना चाहिए था। और ये थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के बोलने से हमारे मन को शांति थोड़ी मिलेगी। जितना इन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है तो इस तरह से थोड़ी मिट जाएगा। इनको या तो पार्टी से निकालना पड़ेगा उनको, या तो एकदम हमेशा के लिए इनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस तरह से ये जो नाना प्रकार की बातें हमारे सनातन धर्म पर बोल रहे हैं, और आज अखिलेश जी सो के जैसे उठे हों और थोड़ी सी बोले हों तो उनके बोलने से हमारे घाव जो है भर नहीं जाएंगे, वो और हरे हो गए हैं। तो क्या आपको यही लगता है कि अखिलेश यादव की जय पर इस तरह के बयान दे रहे थे स्वामी प्रसाद जी? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे थे। ठीक है, आगे भी देंगे वो। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह का माहौल है इस वक्त ये जानने के लिए मयूर का पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, अखिलेश यादव की तरफ से अब इस तरह की नसीहत देना, काफी टाइम जरूर अखिलेश यादव ने लगा दिया, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं कि 24 में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है, साथ सभी का जरूरी है, और हिंदू धर्म पर एक के बाद एक टिप्पणी स्वामी प्रसाद की इस तरह करना,
फिर अभी तो डिप्टी सीएम भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव का लिखा ही पढ़ते हैं, स्वामी जनता क्या सोचती है। बिल्कुल देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तरह तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, हिंदू विरोधी बातें वो करते रहे हैं, खुलेआम खुले मंच से करते रहे हैं, और नाराजगी दूसरी पार्टियों में रहती है कि अखिलेश यादव उनको कुछ बोलते क्यों नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने अब साफ किया है, महाब्राह्मण सम्मेलन था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, लोगों ने शिकायत की, उन्होंने कहा हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य गलतियां कर रहे हैं, थोड़ा सा बच के बोलना चाहिए, किसी धर्म विशेष के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बोलनी चाहिए। लखनऊ में जनता है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को डांटते हुए नजर आ रहे हैं कि कायदे से रहिए, चुनाव है, ज्यादा धर्म की बातें मत करिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अखिलेश यादव जी ने उनको डांटा क्योंकि वो बराबर हिंदू धर्म में प्रहार करते जा रहे हैं और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 2022 का जो चुनाव हुआ उन्होंने बहुत ज्यादा टिप्पणियां की जिससे उनको बहुत ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। स्वामी मौर्य के बयान सुने थे आपने, क्या क्या बोला करते थे, अभी आपको लगता है शांत रहेंगे वो? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक धर्म को लेकर उन्होंने काफी ही गलत बयान दिए पूर्व में भी, हमें नहीं लगता कि उनका वो मानसिक, उनका मानसिक संतुलन हमको लगा कुछ खराब हो गया है, मतलब वो सुधरने वाले नहीं। इनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे जितना समझा दो सुधरने वाले वो नहीं है। देखिए वो ऐसे व्यक्ति हैं वो जिनके लिए वो पार्टी में शामिल किए जाते थे, पार्टी के जो कर्ता धर्ता थे वो उनको जो है अपने गले से लगा के घूमते थे, मौर्य समाज ही अब उनके साथ नहीं रहा, वो अब अफवाह में जी रहा है कि हमारा ही मौर्य समाज हमारे साथ है, क्योंकि इस तरह ढकोसलेबाज और मक्कार टाइप के नेताओं को जो है मौर्य समाज ने भी अपना लगता है अखिलेश यादव ने भले उनको समझाया है डांटा है कुछ कार्रवाई करने की भी जरूरत है कि बस खाली इसे छोड़ देंगे। देखिए मौर्य जी, एक धर्म का जहां ट्रेनिंग होता है, धर्म को ही वो ट्रेनिंग वो कॉलेज में, धर्म के कॉलेज में उन्होंने ट्रेनिंग ली है, 5 साल जो है धर्म के चादर ओढ़ करके पूरा देश पर शासन किया है। हम समझते हैं कि धर्म का जिन जो है उनको छोड़ नहीं रहा है, वो बार बार उसी परिधि में चले जा रहे हैं जहां से वो निकल कर आ रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, जहां ट्रेनिंग वो किए हैं वो भावना बोल रही है, उनका पाप बोल रहा है। मौर्य जो बोलते हैं नुकसान पार्टी को होता है, अखिलेश यादव अभी तक नहीं सोच पा रहे थे कि कुछ इनको समझाना चाहिए। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी RSS का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, तो इनको जो ट्रेनिंग मिली हुई है तो वो अखिलेश यादव जी समझ नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव जी अगर समझ गए होते तो इनको ये तुरंत निष्कासित कर दिए होते, लेकिन 2024 में जब अखिलेश यादव का बंटा ढार कर देंगे तब अखिलेश यादव को समझ में आएगा कि नहीं हमने गलत डिसीजन ले लिया था। ये लगता है ये उनके एजेंट है क्या जो इनका नुकसान कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट? उसमें बताने वाली बात है क्या, अपनी लड़की को सांसद बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है मयूर, आप बातचीत कर रहे हैं, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आए, कह रहे हिंदू एक धोखा है, संविधान को क्यों किया जा रहा है शून्य, मेरे कहने पर FIR हो जाती है, वोट देने के लिए हिंदू हैं, आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का एक और विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दे दिया गया है हिंदू धर्म को लेकर। अक्सर इस तरह के बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव, ने आज ही नसीहत दी और अब एक और ये विवादित बयान। अनुसूचित जनजाति आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गो के आरक्षण को खत्म नहीं करते, इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। तो अभी आपने सुन लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हुए। राजेश का रुख कर लेते हैं इस वक्त, मिर्जापुर से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मिर्जापुर की जनता क्या कह रही है? मौर्य का ये आदत हो चुका है कि रामायण हो चाहे राम हो उनके ऊपर प्रतिक्रिया उठाना और उनके ऊपर निंदनीय कमेंट करना। तो हम यहाँ से यहाँ के सिर्फ पुरोहित भी हैं हमारे साथ, चंदा पुजारी भी हैं और स्थानीय नागरिक भी हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोच सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जी।
जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार जी। क्या आप सोच रखते हैं स्वामी मौर्य और अखिलेश? स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जी दोनों के पिक्चर के दोनों दो पहलू है। पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे तो उन्होंने राम जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन सपा में जाते ही उन्होंने राम जी के खिलाफ बोला। राम जी हम लोग के आराध्य है, चाहे जो अगर वो हम लोग के भगवान के खिलाफ बोलेंगे तो हम इनकी निंदा करेंगे और उनका विरोध करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी बहुत अच्छे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोले हैं वो गलत बोले हैं, उनको वो डांट रहे हैं अखिलेश जी। और भगवान राम सबके हिंदू देवता है, हम लोग भी हिंदू होता है, हम लोग भी हिंदू हैं और अखिलेश जी भी मानते हैं। और पंडित जी आपका क्या कहना है? राम भगवान आदर्श है, पूर्वज है, जिनका भी अपमान करता है वो सुखी नहीं रहेगा, वो जो भी जनता उन्हें त्याग देगी। भगवान राम अभी लौटती हूँ त्रिपुरेश में। इस वक्त मिर्जापुर से अभी आप सुन रहे थे जनता को त्रिपुरेश का।